हरियाणा बीजेपी के चुनाव समिति की बैठक आज चंडीगढ़ के बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई सांसद और विधायक समेत पूर्व मंत्री मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जिस किसी का भी नाम तय करेंगे, पार्टी पूरी ताकत से उसको एलनाबाद उपचुनाव में जीत का ताज पहनाएगी। इतना ही नहीं, धनखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 17 लोगों के नाम अभी चल रहे हैं, पर आज ही हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने बीजेपी की सदस्यता ली है और वो भी एक प्रत्याशी के रूप में है। ओम प्रकाश धनखड़ ने इशारों में स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का एलनाबाद उपचुनाव के मुख्य प्रत्याशी के रूप में गोविंद कांडा का नाम करीब तय हो गया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान ही शेष मात्र बचा है। 17 उम्मीदवारों की सूची जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वहां पर, वो चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत की गई। चुनाव समिति ने विचार करके उसमें सब विषयों को सुन के एक हायरार्की बनी है, लेकिन हायरार्की बनने के बाद सारी चुनाव समिति ने ये निर्णय मुझ पर और मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया कि आप दोनों केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करते हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है कि चाहे विधायक का चुनाव है चाहे सांसद का चुनाव है, उसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। जब चुनाव कई स्थानों के होते हैं तो पूरी इलेक्शन कमेटी बैठती है केंद्र की, उसके सामने बुलाते हैं, और जब चुनाव कम स्थानों के होते हैं तो कई बार जैसे हमको यह अधिकार दे दिया उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ अधिकार दे देते हैं। तो हम उनको से निवेदन करेंगे कि हमने अपना विचार विमर्श किया है, कर लिया है, जो ही आप हमको समय देंगे तो मैं और मुख्यमंत्री जी उनके सामने उपस्थित होंगे। जो भी केंद्र से जो निर्णय, यहाँ की जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो सूची हमने तैयार की है, उस पर जिस पर भी मोहर लगेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। उन्होंने और भी जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी और जेजेपी इस चुनाव को मिलकर लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा। वहीं उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा इस बात पर भी चर्चा की है कि इनेलो ने अभय चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है, इससे बीजेपी की लड़ाई और भी मजेदार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम तय होना बाकी है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव किस करवट बैठेगा, और उन्होंने माना कि बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय है। चंडीगढ़ से हर्ष राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।